घड़ी पहनना एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आज के बाद आप भी नोट कर लो, जब भी आपने घर से बाहर निकलना है तो बिना घड़ी के नहीं निकलना है। जो भी हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबको घड़ी पहन के निकलना चाहिए। दूसरा, घड़ी कौन सी? जिसका लेदर स्ट्रैप ना हो। कभी भी लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी नहीं पहननी है। अगर आप लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी पहनोगे तो वो आपके लिए अनअपॉर्चुनिटीज लाएगी, आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेगी। तो हम क्यों हर्डल्स लें? वैसे ही लाइफ में परेशानियां कम थोड़ी है। तो जितना हो सके हम घड़ी के साथ बाहर निकलेंगे, उसमें भी घड़ी हमेशा, जैसे आजकल वो आ रही है रोज गोल्ड वाली, वो पहनो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज देती है। जितने आप बिजनेसमैन देखोगे, जितने आप हाई क्लास लोग देखोगे, सब घड़ी के साथ ही घर से निकलते हैं, क्योंकि उनको वो फॉर्मूला समझ में आ चुका है। वो समझ सर, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आ रहा है और 7 नंबर भी आ रहा है, तो इनको सिल्वर और गोल्डन स्ट्रैप वाली घड़ी पहननी है। जिनका 6 मिसिंग है उनके लिए गोल्डन स्ट्रैप की घड़ी, जिनका 7 मिसिंग है उनको सिल्वर स्ट्रैप की घड़ी, और जिनका दोनों मिसिंग है उनको मिक्स 6 और 7 वाली। सिर्फ एक ही बात है, लेदर स्ट्रैप कभी ना पहने। आजकल जैसे आप देखते हो कि एप्पल की वॉचेस आ गई हैं, बहुत महंगी महंगी वॉचेस हैं, उसके अंदर भी स्ट्रैप जो है वो गोल्डन वाला मिलता है, तो वो आप वो पहनाए, रोज गोल्ड वाला मिलता है वो आप पहने, वो आशीर्वाद है। घड़ी पहने बिना नहीं निकलना है, ये आप भी ध्यान रखो, मुझे भी फॉलो करना है, हमारे सब व्यूवर्स को भी फॉलो करना है।